अगर आपके फ़ोन में भी USB डबिंग काम नहीं कर रही है या फिर USB डबिंग की वाली प्रॉब्लम आपको आ रही है, बेसिकली किसी फ़ोन में USB थेथरिंग आता है, USB डबिंग इस तरह से कुछ लिखा आता है, तो इस प्रॉब्लम को ये एक्टिव नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा या फिर काम नहीं कर रहा, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप USB ठीक से कनेक्ट नहीं करते हैं, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, या हमारे पास अगर USB है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर USB हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जो है काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आपका USB आपको ऑन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में आपको जो है यहाँ पर OTG कनेक्शन लिखा है, ठीक है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इसको जैसे आप लोग ऑन करोगे, देन आपकी जो आगे वाला प्रोसेस है वो देखिए यहाँ पर अभी आ रहा है, चार्जिंग डिवाइस कनेक्टेड वियो USB, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। तो मतलब आपके पास जो USB आप यूज़ कर रहे हो वो सही तरीके वाला USB होना चाहिए, ठीक है, लोकल USB नहीं होना चाहिए, एक 100% वर्किंग USB आपके पास जस्ट होना चाहिए, ठीक है, 100% वर्किंग है और खासकर मीवी वगैरह मतलब हाई क्वालिटी का है तो वो काम कर जाता है। बाकी अगर आप नॉर्मल सा मार्केट से सस्ता वाला USB लोगे तो वो USB थिएटरिंग आपका ऑन नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। बाकी आप एक बार अपना फ़ोन का सॉफ्टवेयर चेक कीजिए, कोई अगर अपडेट आया है सॉफ्टवेयर में तो आपको चेक करना है, सिस्टम अपडेट आपको चेक करना है, ठीक है, ये चेक कीजिए, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं है।